लाल किला भारत का एक ऐतिहासिक किला है जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है। इसकी लाल दीवारों के कारण इसका नाम लाल किला रखा गया। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया था। यहाँ रोजाना काफी मात्रा में पर्यटक किले को देखने आते हैं। यहाँ टिकट आप चाहे कैश, कार्ड या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले को 12 मई सन 1639 को बनवाना शुरू किया। लगभग 8 वर्ष 10 महीने बाद 6 अप्रैल सन 1648 को यह किला शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद में बनकर तैयार हुआ और फिर शाहजहां आगरा से दिल्ली आ गया। इस किले की कलाकृतियां फारसी, यूरोपियन और भारतीय कला का संश्लेषण है। दिल्ली दरवाजा और लाहौर दरवाजा इसके दो दरवाजे हैं। लाहौर दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसमें एक बड़ा बाजार लगता है और इसमें काफी सारी दुकानें हैं। इसके बाद आता है नौबत खाना या फिर जिसे हम कह सकते हैं नाकार खाना। यहाँ वाद्ययंत्र बजाकर बादशाह व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती थी। यहाँ कई चुनिंदा अवसरों पर संगीत बजाकर बादशाह सभा में बैठे अन्य लोगों का मनोरंजन किया जाता और यही दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना है बादशाह का अलंकृत सिंहासन। दीवाने खास जो कि बादशाह का निजी सभा कक्ष था, जिसे शाह महल भी कह सकते हैं। ये बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। यह एक आयताकार कक्ष है जो कि स्तंभों पर आधारित है। इसे सफेद पत्थर से बनाया गया है जिस पर अद्भुत कारीगरी की गई है जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाती है। इसी के पास है मोती मस्जिद जिसे औरंगजेब ने सन 1659 में बनवाया था। यह औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। इसका उपयोग शाही घराने की महिलाओं द्वारा भी किया जाता था। ये मस्जिद 3 छोटे गुंबद वाली सफेद संगमरमर से बनी है। हयात बख्श या जीवनदायिनी बाग जल प्रणाली पर बना हुआ पूरे महल में सबसे सुंदर और योजनाबद्ध बाग था। दक्षिण और उत्तर में निर्मित दो संगमरमर के मंडप सावन और भादो के नाम से जाने जाते थे। यहाँ ऊपर से आलू से बहता हुआ पानी बागों की जल प्रणाली में मिल जाता था जो कि बेहद खूबसूरत नजारा पेश करता था। इन्हीं के बीच लाल पत्थर से बना एक मंडप है जो कि जफर महल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बहादुर शाह तृतीय ने सन 1842 में करवाया था। जब ब्रिटिश सेना ने इस किले पर कब्जा किया तब कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए और ये किला ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बना। लगभग 200 वर्ष ब्रिटिशों ने यहाँ पर राज किया और 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटिश सेना ने यह किला भारतीय सेना के हवाले कर दिया। तब से यहाँ भारतीय सेना का कार्यालय बना और फिर 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला पर्यटन विभाग को सौंप दिया और इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा है और इस इतिहास और विरासत को अब दुनिया को दिखाने का समय है। बाय फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।